स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी जयवंत वित्रा सुरबन संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु तत्व पर विचार करने के लिए विराट तत्व उपदेश दिया है। जीव के लिए विचार की क्षमता सुम की प्रज्ञा में चाहिए। विचारणीय विषय पृथ्वी पर अनंत है। विचार कैसे करें इसका विचार आपको करना है। विचारों पर संसार टिका है। विचारों पर मोक्ष है पुण्यात्माओं का। विचारों पर संसार टिका है विचारों का। विचारों से मोक्ष मिलता है पुण्यात्मा पुरुषार्थ शीलों का। विचार व्यक्ति को नीचे गिराते हैं, विचार व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं। सम्यक विचार है ऊर्ध्वगमन करोगे, मिथ्या विचार है स्वतः है नीचे गिर जाओगे। ये मत देखो रितेश कौन व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, व्यक्ति की खोज करो। इसका भोजन, इसका पानी, इसका ये विचार क्षमता क्या है। और जहां आपने देखा सम्यक सामने वाले के विचार बहुत निम्न है, उसे आपको गिराने की आवश्यकता नहीं है, वो गिर ही जाएगा, 100% गिरेगा, गिर ही जाएगा। कमजोर पैर, दुर्बल शरीर, मोटा पैर, दुर्बल ताकत विहीन शरीर, मोटा दलदल में जा रहा है, जाने दो कितना जाएगा, 2 मिनट के अंदर गिरेगा। 2 मिनट के अंदर गिरने वाला है। ऐसे जिस जीव के पास पुण्य के चरण दुबले पतले हैं और पापों का शरीर मोटा है और विचार शक्ति दलदल भूत है, वो नियम से नीचे गिरा है, मुझे गिराने की क्या आवश्यकता। किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में स्वयं गिरने ही वाला है। इसलिए ये देखना चाहिए विचार कैसे हैं। विचारों के आधार पर व्यक्ति का आचार निर्मित होता है। विचारों के आधार पर व्यक्ति का आचार निर्भर होता है। आचार का निर्माण स्थल विचार है। जैसे जैसे विचार तुच्छ होते चले जाएंगे, आपका पुण्य क्षीण होता चला जाएगा और विकासहीन होता चला जाएगा। एक व्यक्ति मधुबन में पान का ठेला लगा रहा है, उस जीव का विचार कितना है, विकास कितना है। एक जीव वहां पर सोने चांदी की दुकान खोल रहा है, विचार कितना है, विकास कितना है। हे मित्र, कोई पुरुष फैक्ट्री डाल रहा है, उसका सोच देखिए मस्तिष्क में क्या क्या आ चुका है, विकास कितना है, विचार क्या चल रहे हैं। बस मित्र इसी प्रकार से एक पुरुष विचार कर रहा है, भट्टा मिल जाता, बैगन मिल जाता, 2 गकरियां मिल जाती, चलेगा काम। बस बेटा, विचार क्या है, विकास कितना है, भाग्य कितना है, भट्टा मिल जाता, भट्टा बैगन अभक्ष,
भटा मिल जाता बैगन अवच्छ, वो बैगन की चरक रहा बहुबीजा, बैगन अवच्छ भटा मिल जाता, ज्वार की रोटी मिल जाती, खा लेता भरता बना करके, बस जीवन चलता। तुम्हारा रोटी का टुकड़ा, भटा की भाजी आपको कह रही है, मित्र तुम्हारा सोच, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रज्ञा कितनी ही है, इसके आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पुण्यात्मा भोजन के बारे में सोचता है तो उच्च विचार, व्यापार का बारे में सोचता है ऊंचाइयां पकड़ता है। जिनके पुण्य क्षीण हैं वे पान के ठेले तक की ही सीमा में रहेंगे, क्यों? उससे आगे उठने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है, विचार नहीं आ रहे हैं, ताकत चाहिए। मोती भैया एक जीव कह रहा है बस मुझे एक शिष्य मिल जाए अपना जीवन चलेगा, तो दूसरा कह रहा है मैं तो अकेला ही घूम लूंगा, बस समझ ली तुम्हारी बुद्धि कितनी है, विकास कितना है, नियोग कितना है। दूसरे के साथ जीने के लिए भी प्रज्ञा चाहिए, दूसरे के साथ जीने के लिए प्रज्ञा चाहिए, और प्रज्ञाहीन हो तो दूसरे के साथ जी नहीं पाओगे आप। बस मैं तो जीता रहूंगा, मतलब ऊंचाइयों के लिए तुम्हारे पास विकास के लिए विचार नहीं है। हे मित्र, एक जीव कह रहा है बस शादी हो जाए, छोटी सी दुकान खोल लूंगा, जीवन चलेगा, बस हो गया तुम्हारा काम, हो गया काम, मतलब तुम्हारी प्रज्ञा इतनी है, इसके आगे कुछ नहीं है। और एक जीव कह रहा है कुछ नहीं, अब रात्रि भोजन छोड़े देता हूं, इसे तो कल्याण हो ही जाएगा, बस पान के ठेले। अरे यू सोचो, मैं अनुवृत्ति बन के महावृत्ति बनू, उसमें रात्रि भोजन भी छोड़ना है। मित्र तब लगता है वो मुनिराज बन के, मुनिराज बन के पिच्छी को झाड़ू न बनाऊं और झाड़ा फूंकी का मार्ग न बनाऊं, इस पिच्छी से जीवों की रक्षा करके भगवान बनूं, स्नातक मुनि बनूं। उत्कृष्ट विचार, विचार के अनुसार आचार चलता है। बस मोती भैया महाराज बन जाऊंगा, किसी तीर्थ में एक छोटा सा मंदिर बना लूंगा, वहीं पर एक बाई को रख लूंगा, आहार कराती रहेगी, जीवन निकल जाएगा अपना। ओहो, जिस योगी के लिए चक्रवर्ती द्वार पर खड़ा रहता है, चक्रवर्ती भैया आपने पढ़ा है महापुराण में, आदि पुराण में, भरतेश नैनों में आंसू टपका रहा था, आज मुझे कोई धरती का दिगंबर देवता नहीं मिला जिसको मैं पड़गान कर लेता। हे महाराज, सौधर्म इंद्र आपको पड़गान नहीं कर पाता, इतनी मान है आप, चक्रवर्ती तरसता है आपकी चर्या के लिए, और आप ये सोच रहे हो कि एक बाई आ जाएगी चौका लगाती रहेगी हमारा जीवन चल जाएगा। तुमने तीर्थंकर की मुद्रा को एक बाई को सौंप दिया है। ओहो, अनुपम, तीर्थंकर की मुद्रा एक बाई को सौंप दी, ओहो अमूल वस्तु एक बाई को सौंप दी, ओहो ओहो, जिन बाइयों से छूट के भगे थे हुई बाई को रख लिए हो, माता बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है, आप माता जी बन गई, आर का माता जी बन गई, बोले कुछ नहीं है भाई, एक लड़का रोटी बनाता रहेगा, हम रुके रहेंगे, वो हमको खिलाता रहेगा। जिन मोड़िया मोड़ियों को छोड़ के भगे थे वही मोड़ा फिर रख लिया, क्या फायदा? अरे तुम तो जिस मुद्रा में हो अंजलि लगाओ, और गांव गांव में जाओ, विहार करो, आहार करो, और भगवान का नाम जपो। मार्ग ये है, इसलिए सम्मत सागर सोच मत बैठना, कोई मिल गई बाई तो रुक जाएंगे कहीं। हे मित्र,
विश्वास रखो, प्रशंसा करिए। गोमटेश बाहुबली स्वामी के चरण श्रम तुम्हारी दीक्षा हुई, वहां से आप चले और चलते चले पूरे देश की परिक्रमा लगाया है। हे मित्र, गमन करोगे तो गमन होगा, चमन चाहिए तो गमन कीजिए। एक स्थान में बैठ करके न अंदर विशुद्ध हो पाओगे न बाहर विशुद्धि दिखा पाओगे। पूरे देश में भ्रमण करना चाहिए, सम्राट को पूरे देश में विचरण करना चाहिए और साधु को पूरे देश में विचरण करना चाहिए, व्यापारी को पूरे देश में विचरण करना चाहिए। व्यापारी विचरण करेगा तो धन बढ़ेगा, राजा विचरण करेगा तो राज्य बढ़ेगा, और साधु विचरण करेगा तो धर्म यश और मेरे मित्र कीर्ति बढ़ेगी, राग क्षीण होगा, राग क्षीण होगा। नहीं तो एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दोगे तो लोगों को घर जैसा दिखना प्रारंभ हो जाएगा, घर जैसा प्रारंभ हो जाएगा। निखिल छतरपुर डेरा पाटी पे बनाएगा मठ की खजुराहो में, बालक न डेरा पाटी न खजुराहो, पूरे देश की भूमि तुम्हारा स्थान हो, तुम्हारा कोई स्थान ना हो। एक स्थान बनाएंगे मोती भैया, एक स्थान बनाएंगे ना तो एक ही बना पाएंगे, और कहीं नहीं बनाएंगे, हर स्थान हमारा होगा। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सर्वभूमि अपनी है। अभी मालूम मोती भैया, मैंने गोमटेश से बिहार किया, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, प्रत्येक प्रांत में स्कूल हो तो वहां ठहर गए, हिंदू मठाधीशों को मठ मिले वहां ठहर गए, कितना लोग सम्मान से ठहराते हैं, श्वेतांबरों के उपरास मिले वहां ठहर गए, दिगंबरों के मंदिर मिले वहां ठहर गए, कहीं नहीं मिले तो रोड पे भी ठहर गए, और कहीं नहीं मिला तो खेत में रुक गए, कहीं मिला तो पहाड़ पे रुक गए। अरे करना क्या, नदी के तट पर, जंगलों में, सब भूमि अपनी है, क्योंकि अपनी कुछ भी नहीं है इसलिए अपनी है। एक दिन शुभ्र सागरी हम लोग सार में रुके, और दूसरे दिन, उसमें आप लोग नहीं थे, सार में रुके, दूसरे दिन कोई महाराष्ट्र के नेता के भवन का उद्घाटन होना था, एक दिन बाद, एक दिन पहले हम लोग पहुंच गए। बोलो प्रशंसा से, इतनी बड़ी हवेली, अब वो गदगद, उसने पूरे मेहमान वापस कर दिए, बोले भैया हो गया उद्घाटन, अब बाद में मिलूंगा, हमारे यहाँ तो भगवान आ गए हैं, और उसने पूरे मेहमान वापस कर दिए। मैंने कहा देखो प्रशंसागरी, सबके दिन एक से नहीं होते, कल अपन सार में रुके थे, खेत में रुके थे, जहाँ गाय बधी हुई थी, गाय छोड़ के किसान ले गया, बोले महाराज यहाँ ठहर जाओ, और दूसरे दिन महाराष्ट्र के एक नेता जी के यहाँ, जिसका उद्घाटन ही नहीं हुआ था भवन का, बोले स्वामी पूरी कोठी आपके लिए है। ज्ञानी जिनके पास कोठी नहीं है और नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, और ये कहते हाँ हमारी है तो कौन ठहरा था। विश्व को अपना बना के चलना है तो विश्व को अपना मत बनाइए, विश्व तुम्हारा होगा, और जहां तुमने एक छोटा सा कोना बनाने की कोशिश की, बस कोने की रह जाओगे। इसलिए विचार कर लो, बंबई यदि ये मुनिराज प्रसन्न सागर जी एक गांव के महाराज होते तो तुम बंबई से चौका लगाने आते क्या? नहीं आ सकते थे। विश्वास रखो, एक किसी के होते नहीं है इसलिए सबके होते हैं। विराज विचार, विचार साक सागरी संसार मोक्ष किसी के पर आलंबित नहीं है,
व्यक्ति की स्वयं के विचारों पर है। कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, ये भी तुम्हारे विचारों पर है, आपके विचारों पर है कि आपको अच्छा कौन लगता है। विष्णियों के भी मित्र होते मित्र, और निर्विष्णियों के भी मित्र होते हैं। जिनके विचार विष्णु से मिलते हैं उनके लिए वो मित्र हैं, और जिनके विचार नहीं मिलते हैं उनके लिए वे शत्रु हैं, और योगियों के लिए योगी मित्र हैं। हर व्यक्ति वही टिकता है जिसके जहां विचार मिलते हैं, हर व्यक्ति वही टिकता है सौम्य सागर जी, जिसके जहां विचार मिलते हैं, जब विचार नहीं मिले वहां टिकता है। तो मित्र, जैसे जैसे विद्युत धारा बहती है, एक अर्थिंग का तार होता है, एक बिजली का तार होता है, अर्थिंग अर्थिंग के मिलाते जाओ कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, और बिजली बिजली के में मिलाते जाओ तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अर्थिंग में बिजली का जोड़ दिया तो होगा ना। ऐसे ज्ञानियों विचार विचार बारे मिलते तो पता ही नहीं चलता यहाँ कोई रहता कि नहीं रहता है। जब बिना बिना दूसरे विचार बारे मिलता उसी दिन विचार वालों के साथ रहना चाहिए। विचार वालों के साथ रहोगे, विचार जैसे एक से विचार हो व्यक्ति, एक से नाम से काम नहीं चलता है, एक से विचारों से काम चलता है। विचार जिसके एक से होंगे वही एक साथ रह पाएगा। इसलिए युवाओं, बहुत अच्छा साधु बनो, वो शादी करना हो तो चेहरा मिला के मत करना, विचार मिला के करना। जो महावीर भैया जो चेहरा मिला के करते ना, वो विचार नहीं मिला पाते, उन्हें विचारों को कोर्ट में भागना पड़ता है, उन्हें विचारों को कचहरी में भागना पड़ता, उन्हें विचारों को पंचायत बिठाना पड़ती, भैया हमारे झगड़ा हो गया पति पत्नी। बोले क्यों? बोले चेहरा मिला के लाए थे, विचार मिला के नहीं लाए थे। इसलिए धर्म कहता है चेहरा मत मिलाओ मेरे मित्र, विचार मिलाओ। चेले बना लिए 50, वो बेचारे मिले नहीं, सो बेचारे भग गए, भग गए। ज्ञानी गुरु भी चुनो तो विचार मिलाओ।